ಸಾರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಭಾನುಪ್ರಿಯ. कर्नाटक के नए सीएम के रूप में शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है. बताया जा रहा है कि इस पुराने मामले में कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार फंसे हुए हैं. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो एनजीओ समाज परिवर्तन समुदाय के लॉकस स्टैंडी पर निर्णय देगी. एनजीओ चाहती है कि कुछ साल पहले बंद हो चुके मामले को दोबारा खोला जाए. सुप्रीम कोर्ट सहमति के बाद नए सीएम येदियुरप्पा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है. येदियुरप्पा ने शाम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पीठ ने कहा कि वो किसी नाम से या किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है. वो मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी. वहीं येदियुरप्पा के वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि एनजीओ अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार मामले को खोलने की कोशिश कर रहा है. इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिसंबर 2015 में रद्द कर दिया था. ये मामला कर्नाटक रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट की 4.20 एकड़ भूमि की अधिसूचना से रद्द करने से जुड़ा हुआ है और इसमें येदियुरप्पा और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार फंसे हुए हैं और अब कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स.